जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने रात्रि के समय घरों में चोरी और नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से चोरी और नकबजनी की घटनाओं से संबंधित भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है। इसी के साथ नकद अवैध तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर पुलिस रात में झुड़ीना नहर पर गश्त कर रही थी कि 5 शातिर बदमाश पुलिस ने दबोच लिए। आरोपी थाना किठोर क्षेत्र के गांव असीलपुर के वकील एहसान और खेरुल, औरंगाबाद सिंभावली का प्यार मोहम्मद, लिसाड़ी गेट मेरठ का रमजानी है। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने रात्रि के समय घरों में चोरी नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम खैरुल हसन, एहसान, वकील, प्यार मोहम्मद, रमजानी। इनके पास से करीब 60 ग्राम पीली धातु व 1 किलो 270 ग्राम सफेद धातु के आभूषण, जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है और 11,000 रुपए नकद एवं अवैध असला बरामद हुआ है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये बदमाश दिन में रेगी करते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के जेवर, तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।